दिव्या और शमिता ने डिबेट टास्क में निकाली भड़ास। दिव्या ने खुद को बताया मोर डिजर्विंग और कहा अकेले आई हूँ, जीत कर जाऊंगी। बिग बॉस ओटीटी में डिबेट टास्क के दौरान शमिता और दिव्या में जबरदस्त बहस देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई और दोनों ने खुद को मोर डिजर्विंग कंटेस्टेंट बताया। दिव्या ने कहा कि वो जब से आई हैं तब से इंडिविजुअल गेम खेल रही हैं, उनका कोई भी दोस्त नहीं है और उनके लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेता है। वो अकेले होने के बावजूद लड़कर फिनाले वीक तक पहुंची हैं और इसीलिए वो खिताब की बड़ी दावेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ शमिता शेट्टी ने कहा कि अगर दिव्या ने इंडिविजुअल गेम खेला है तो वो हमेशा इसके बारे में बताती रहती हैं। उनका कोई कनेक्शन नहीं बना या कोई दोस्त नहीं बना या उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, तो उसमें शमिता शेट्टी की क्या गलती है। शमिता शेट्टी ने दिव्या से ये भी कहा कि मैं जहाँ गलत होती हूँ मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन तुम जहाँ गलत होती हो तुम वहाँ माफ़ी नहीं मांगती बल्कि उस गलती को सही बताने लगती हो और यही तुम्हारा एरोगेंट बिहेवियर दिखाता है। इसीलिए कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बना और ना ही तुम्हारे लिए कोई स्टैंड लेता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दिव्या ने शमिता शेट्टी को इनसिक्योर भी बताया और ये कहा कि राकेश बापट के साथ मेरा नाम जोड़कर तुमने मेरे चरित्र पर दाग लगाया था जो कि वरुण के आने के बाद साफ हुआ और तुमने सॉरी कहा। इस बात पर शमिता ने कहा कि मैं इंसान हूँ और गलतियों से ही सीखती हूँ, मुझे गलत लगा तो मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन तुम तो गलत होने के बावजूद माफ़ी नहीं मांगती हो बल्कि उस गलती को जस्टिफाई करने लगती हो और यही तुम्हारे और मेरे बीच फ़र्क है। अगर दर्शकों को यही सही लगता है तो बेशक वो तुम्हारा समर्थन करेंगे, उसके लिए मुझे दुख नहीं होगा। और इसी के साथ दोनों के बीच डिबेट खत्म हुई। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि दर्शकों का दिल जीतने में इन दोनों में से कौन कामयाब होता है। बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।